మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. जैसा कि हमने पहले बताया था कि अगला नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो रेसिस्टेंस के कलर कोडिंग पर होगा. कलर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस पर एक पूरा अच्छा खासा वीडियो बना डाला है, ठीक है ना. इस पर हमने प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे आगे चल करके. देखिए, ये उससे संबंधित जितना भी डाटा है हमने यहाँ सामने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, आप जब रेसिस्टेंस नहीं हुआ करता था, जैसे मल्टीप्लायर जब नहीं हुआ करता था और आपके सामने रेसिस्टेंस रख दिया जाए तो आप उसका वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इसका ये पूरा तरीका आपके सामने लिखा गया है, ठीक है ना. सबसे पहले रेसिस्टर के बारे में समझिए. देखिए, रेसिस्टर वह युक्ति होता है, रेसिस्टर वह डिवाइस होता है जो किसी परिपथ में लगाया जाता है और यह धारा के प्रवाह को रोकने का काम करता है. रेसिस्टर क्या करता है? धारा के प्रवाह को रोकने का काम करता है. और रेसिस्टर के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना. ठीक उसी प्रकार जैसे कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है और उसके इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं. जैसे इंडक्टर, इंडक्टर धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए इसके इस गुण को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ जो रेसिस्टर है वो एक डिवाइस है और रेसिस्टेंस क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना. तो यहाँ आपके सामने एक रेसिस्टेंस दिखाया गया है. देखिए, इस पर सबसे पहला तो आप ये समझिए, चार प्रकार के बैंड होते हैं, ठीक है ना. सबसे पहला कलर बैंड होता है सी, दूसरा जो होता है डिजिट बैंड होता है, मतलब सब कलर ही बैंड बोलते हैं उनका, लेकिन इनका नाम क्या है बता देते हैं. ये आपका डिजिट बैंड, दोनों डिजिट बैंड है, ये दोनों क्या है? डिजिट, दोनों कलर बैंड को हम डिजिट बैंड बोलते हैं. और लास्ट में हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर बैंड. और जो ये अंतिम में बच रहा है इसको तीसरे नंबर को मल्टीप्लायर बैंड बोलते हैं, और जो लास्ट में होता है अंतिम में उसको हम टोलरेंस बैंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टोलरेंस बैंड बोलते हैं. एक बार और हमारी बात को समझिए, जो पहले शुरुआत में स्टार्टिंग में जो दो कलर बैंड दिख रहे हैं वो दोनों डिजिट बैंड होते हैं, यानी कि दोनों डिजिट को शो करते हैं, ठीक है. और जो तीसरा बैंड होता है वो मल्टीप्लायर बैंड होता है, वो मल्टीप्लायर को शो करता है, ठीक है. और चौथा जो बैंड होता है टोलरेंस बैंड होता है वो, ठीक है, वो रेसिस्टेंस का वैल्यू को एक लिमिट प्रोवाइड करता है, मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है. देखिए, हम आपको अच्छे तरीके से इस बात को समझाने वाले हैं, टोलरेंस बैंड क्या होता है अभी आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ देखिए, ये आपको इस तरह का कलर कोडिंग आपको याद करना पड़ेगा. इसका हम सारा ट्रिक भी आपको देने वाले हैं, जैसे जैसे कलर होंगे उसी के अनुसार सारी बातें आपके सामने दी गई हैं, उसी के अनुसार हमें लिखना है. अब कहेंगे सर याद कैसे करेंगे, तो याद करने का हम एक ट्रिक प्रोवाइड करेंगे आपको. देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे एक ट्रिक है इसका, बी बी राय बी बी, यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी बी, आप फिर यहाँ क्या लिख देंगे? आर ओ आई राय, या जी है ग्रेट, जी का मतलब क्या है? ग्रेट. बी का मतलब है ब्रिटेन, क्या है? ब्रिटेन. और वी का मतलब है वेरी, और जी का मतलब है गुड, और डब्लू का मतलब है वाइफ. इतना तक याद करना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ तक का ट्रिक है आपको, याद कर लीजिए. बी बी राव राव, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना. वेरी गुड वाइफ तो आपको सबको याद होगा, तो यहाँ शुरू का नाम जो है आप उसको याद करना है, बी बी राव ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ. दो दो चीज़ों में, तीन पार्ट में याद करिए, बी बी राव ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है. इनका जो डिजिट बैंड है, डिजिट जो है वो बिल्कुल क्रम से है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्रम से ही चले जाएंगे, ठीक है. लेकिन यहाँ आप कन्फ्यूजन होगा कि यह जो है
बी और बी दो हैं और दोनों का मतलब ब्लैक ब्राउन, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि पहले ब्राउन होगा कि पहले ब्लैक होगा। ठीक है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम थोड़ा सा एक इससे हट के एक चीज़ बता रहे हैं। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, ठीक है, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तो क्या था? अंधेरा था। ठीक है, मान लीजिए सूर्य भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड में कोई कुछ है ये नहीं है, तो रहेगा क्या? अंधेरा रहा, अंधेरा रहेगा। ठीक है ना, अगर ज़्यादा जानना है तो शक्तिमान देख लीजिए। तो यहाँ इसलिए समझिए कि सबसे पहले क्या है? ब्लैक मतलब अंधेरा, कुछ नहीं था तो क्या था? अंधेरा था। इसलिए ब्लैक और ब्राउन में अगर कन्फ्यूजन हो तो समझिए ब्लैक सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद इसी क्रम में आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई रेसिस्टर दिया गया है, ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू आपको पूछा जाए। ठीक है, आपके सामने बिफोर यू दिस टाइप ऑफ रेसिस्टर हैज बीन गिवेन, देन हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेसिस्टेंस। अब एनी वन कैन आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेसिस्टेंस, इसका आपको रेसिस्टेंस क्या होगा, ये आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? क्या है? एलो। एलो का डिजिट देखिए क्या है? 4। तो यहाँ बहुत आसानी से 4 बताए ना, दोनों डिजिट हैं, यानी कि दोनों डिजिट हम पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज का डिजिट देखिए क्या है? ऑरेंज का डिजिट क्या है? 3। तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए। ठीक है ना, फिर आप यहाँ देखिए 4 3 तो हो गया इजिली डिजिट डिजिट, उसके बाद क्या लिखना हमको? मल्टीप्लायर। जो भी कलर होगा उसका मल्टीप्लायर यू हैव टू पुट हियर, जो भी मल्टीप्लायर होगा, जो भी अब यहाँ कलर होगा उसका डिजिट नहीं पुट करना है, उसका मल्टीप्लायर पुट करना है। ठीक है, तो ये किस नंबर पे है? वायलेट। वायलेट देखिए 7 नंबर पे है, लेकिन हम 7 नहीं पुट करेंगे, इसका मल्टीप्लायर पुट करेंगे। कितना है? 10^7 ओम। कितना हो गया? 10^7 ओम। ठीक है, अब इतना हो गया। अब उसके बाद सिल्वर स्ट्रिप है, तो चूँकि टोलरेंस बैंड है तो सिल्वर स्ट्रिप का हम टोलरेंस कितना होता है? 10%। तो यहाँ लिख देंगे ±10%। ठीक है, अब यहाँ सोचने वाली बात है कि 10% है क्या? ठीक है, ये 10% बताता है, रेंज बताता है रेसिस्टेंस का, कि ये जो वैल्यू आपको निकल के सामने आई है 43.43 × 10^7 ओम, वो फिक्स नहीं है, उसका मान 10% बढ़ भी सकता है और 10% घट भी सकता है। यानी कि अगर इसकी मैक्सिमम मान निकालना है तो +10% ऐड कर देंगे तो आर मैक्स हो जाएगा, और फिर 10% माइनस कर देंगे तो आर मिनिमम हो जाएगा। यानी कि इस रेसिस्टेंस का, इस रेसिस्टर का एक रेंज आपको मालूम हो जाएगा ड्यू टू दिस परसेंटेज, ड्यू टू दिस टोलरेंस बैंड। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कलर ना दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टोलरेंस बैंड यानी कि इसको हटा दिया जाए, 4 चाहिए हमको लेकिन 3 ही दिया है, लास्ट वाला दिया ही नहीं। ठीक है, तब हम ये कितना ले लेंगे? तब हम कितना ले लेंगे? 20% ले लेंगे। ठीक है ना, बात को हमारी समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से? समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम वन संगेन आपको बताने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब दूसरे तरीके से समझिए कि अगर यहाँ पे वायलेट न दे करके क्या दे दें, कि यहाँ पे गोल्डन दे दें, क्या दे दें? सुनहरा कलर दे दें, गोल्डन दे दें, यानी कि येलो दे दें, ऑरेंज दे दें, वायलेट के जगह पे गोल्डन दे दें। यहाँ पे देखिए क्या दे दें आपको? येलो दे दें, ऑरेंज दे दें, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दें आपको? वायलेट दे दें। ठीक है, अब वायलेट यहाँ वायलेट के जगह पे आपको क्या दे दे? गोल्डन दे दे रहा है। क्या दे दे रहा है? गोल्डन दे दे रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या दे दे? सिल्वर स्ट्रिप जो दिया है वही दे दे। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग जो है यह नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ गोल्ड अगर दे दिया तो टोलरेंस इसका 20% होता है, तो बीच में कलर के जगह पे कैसे दे दिया? देखिए, अगर कलर बैंड में तीसरे नंबर पर गोल्ड और सिल्वर अगर दे दिया है तो वहाँ मल्टीप्लायर हम इन्हीं दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही, येलो का आपका नंबर 4 है डिजिट, इसका भी डिजिट, यहाँ मल्टीप्लायर यूज होना है, तो मल्टीप्लायर गोल्डन का कितना है? 10^1, 10^-1, यहाँ प्लस माइनस सिल्वर का कितना है? 10%। यहाँ इजीली हम क्या कर देंगे? पोर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार यहाँ पे सिल्वर अगर दे देता
तो हम 10^-2 और प्लस माइनस फिर 10% हम यहाँ पे क्या कर सकते लिख देते, ठीक है ना। हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं। इसलिए अब हम एक इसको थोड़ा सा घुमा करके भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है 1 0 × 10^3 और ये कह दे कि प्लस माइनस 20%, ये दे दिया आप क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। क्या दे दिया, 1 दे दिया है, 0 दे दिया है, 10^3 दे दिया है और प्लस माइनस 20% दे दिया। अब ये कह दे कि यह निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब तीन आपका चार ऑप्शन दे, उसमें क्या दे, कलर के अनुसार दे दे, ठीक है ना। तो जब कलर के अनुसार देगा, ठीक है, तो यहाँ हमको लगता है कि विजिबिलिटी नहीं होगी ग्रीन कलर से, तो हम जो ब्लैक यूज कर रहे हैं। मान लीजिए सवाल इस तरह से ना दे करके थोड़ा सा सवाल को घुमा दे, ऐसे दे दे कि यहाँ पे दे दे 10 ओम ना दे करके 10 kΩ प्लस माइनस 20% इस तरह का दे दे और ये कहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, ठीक है। तो ये किलो ओम है तो पहले इसको ओम में चेंज कर दीजिए, यहाँ पे हो गया ओम हो गया ये, अब प्लस माइनस 20% है ये है, ठीक है। तब यहाँ ध्यान से देखिए कि पहला क्या है, 1 है, तो 1 डिजिट क्या शो कर रहा है, ब्राउन, यानी कि सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 0 0 क्या शो कर रहा है, ब्लैक, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई 10^3 देखिए, 3 जो है वही डिजिट है, ठीक है, क्या है, ऑरेंज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक। ये डिजिट देख लीजिए, 3 का डिजिट क्या, कौन सा कलर शो कर रहा है, तो 3 का डिजिट ऑरेंज शो कर रहा था, यहाँ पे सीधे ऑरेंज लिख दीजिए। और उसके बाद 20% है, यानी कि 20% के लिए कोई टॉलरेंस बैंड यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नो टॉलरेंस बैंड, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन में आएगा, ठीक है, लास्ट में कोई टॉलरेंस बैंड नहीं है। इस तरह का आपका रेसिस्टेंस दे करके कलर पूछ देता है और कलर दे करके रेसिस्टेंस पूछ देता है, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको ये टोटल वीडियो अच्छे तरीके समझ में आएगा। अब बने रहिएगा, हम इसके बाद फिर से कुछ क्वेश्चन और लगवाते हैं आपसे और थोड़ा सा हम ट्रिक बता करके क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं, अब देखिए यहाँ हम जो शॉर्ट ट्रिक वहाँ बताए थे, हम इजी वे में थोड़ा बता देते हैं। बीबी रॉक ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इतना तक आप याद रखिए, यहाँ तक कलर आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमने बताई दिया है, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ये ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है और क्या है आपका, वाइट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रख लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है एक रेसिस्टेंस और इस पर जो है कलर भी बनाया हुआ है, ये आपका ब्राउन है, ये ब्लैक है, ये आपका सिल्वर है, ब्लू है। आप ये समझेंगे सर कलर बना दिए हैं, ब्लू तो यहाँ होना चाहिए, सिल्वर यहाँ होना चाहिए, तब ना हम जानेंगे टॉलरेंस कितना होगा। ऐसा नहीं है, ये भी क्वेश्चन सही है, ठीक है। कैसे सही है आप समझिए, सबसे पहले क्या है, ब्राउन, ठीक है। तो ब्राउन के लिए क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ब्राउन के लिए क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा, सॉरी सर, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या है, ब्लैक, तो ब्लैक के लिए क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 0 हो गया। अब सिल्वर के लिए मल्टीप्लायर ढूंढिए क्या है, सिल्वर के लिए मल्टीप्लायर क्या है, 10, यहाँ पे क्या हो गया, 10^-2 हो गया, ठीक है। 10^-2 यहाँ ओम हो गया, ठीक। तो अब जो है लास्ट में क्या बचा, ब्लू, तो ब्लू के लिए हम जानते हैं कितना होता है, प्लस 0.25%। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन न्यूमेरिकली मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार आप कोई भी कलर दे रहा है तो आप वहाँ कन्फ्यूजन ना होइएगा, क्योंकि सबका अपना अलग अलग टॉलरेंस है, जिसका नहीं है उसका वो बॉक्स क्या हो गया, खाली हो गया है, ठीक है ना। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि मान लीजिए कि 1000 ओम है, कहीं वैल्यू आपको दे दिया गया है 1000 ओम और इस पर टॉलरेंस दे दिया प्लस माइनस 10% और ये कहा जाए कि इस रेसिस्टेंस का रेंज बता दीजिए क्या होगा। रेंज मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान कितना होगा। देखिए तो इसका आपको मैक्सिमम मान अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 1000 प्लस 1000 का 10/100,
ठीक है, जीरो से जीरो कटा तो यहाँ क्या हो गया 1100, ये मैक्सिमम मान हो गया। ठीक है, अब मिनिमम कितना हो जाएगा, इसी तरह से आर मैक्स यहाँ पे 1000 माइनस 1000 का 10/100 तो कितना हो जाएगा 900। इस प्रकार इस रेजिस्टेंस का जो रेंज है वो क्या है, रेंज क्या है 1100 ओम टू 900 ओम। ठीक है, इस तरह से ये क्या निकल गया, रेंज निकल गया। तो देखिए इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको एक लाइन में फिर से बता देते हैं। या तो आपके सामने ये बैंड दे देगा और कहेगा कि इसका मान कितना है, ठीक है, मान दे देगा और ये कहेगा कि इसका इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब ये मतलब इनका कलर कोडिंग क्या है, वैल्यू दे देगा और वैल्यू से कलर कोडिंग पूछेगा, या तो कलर कोडिंग दे दे इससे वैल्यू पूछे, और फिर तीसरा क्या पूछता है, रेंज पूछता है। ठीक है ना, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ प्रॉब्लम होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रेसिस्टेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें बात बताने वाले हैं। जैसे रेसिस्टेंस, अगर कोई तार है उसकी लंबाई 2 गुनी हो जाए तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर मान लीजिए उसको 4 गुनी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर उसका अगर मान लीजिए 3 वायर हैं उनको काट करके एक साथ जोड़ा जाए तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर लेंथ हम बढ़ाते हैं तो उसके रेसिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये सीरीज बहुत ही अच्छी आप होने वाली है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसी में हम कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी डालेंगे वीडियो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट स्टार्ट करेंगे कुछ, जैसे नंबर सिस्टम है कैसे हम चेंज करते हैं, क्या है उसमें पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई सुझाव हमको देना हो या कोई बात बतानी हो तो इसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स आपका आपके लिए खाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।